हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम विद प्राची। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग रेडी हो गए हैं मार्केट जाने के लिए। और अभी आजकल ना बस ऐसे ही हो रहा है कि एक एक दिन के गैप में या एक दो दिन के गैप में कभी ऐसा होता है कि मार्केट जाना है, कभी कुछ कभी कुछ। अभी इस टाइम पर ना पूरी शॉपिंग तैयारी बस यही चल रही है। एक तो हम लोगों ने लेट से स्टार्ट भी करा है ना, ऐसे होता है कि हाँ आप एक महीने पहले से स्टार्ट कर दो तो थोड़ा सा बीच बीच में गैप हो जाता है। बट हम लोग पता नहीं क्या कर रहे थे, वेट ही कर रहे थे एकदम एंड टाइम का कि जब हमारा घर जाने का टाइम आएगा तभी हमें शॉपिंग करना स्टार्ट करना है। तो अभी इतना ज़्यादा हौच पौच हो गया ना कि डेली ऐसा हो रहा है कि अभी ये लेना है वो लेना है। तो ऐसे ऐसे करके ना आजकल रोज़ ही हम लोग की हर दूसरे दिन तैयारी बन जाती है। तो अभी चलते हैं मार्केट। जाएंगे पापा को नहीं जाना, बस मम्मा जाएगी। पापा के इंतजार में आएगी, पापा जल्दी से ले मुझे। चले अच्छा लग रहा है, जैसे दोपहर के 3 बज रहे हों। तो हम लोग जा रहे हैं, जो मैंने कपड़े खरीदे हैं ना वो सब वहीं, मतलब वहीं से स्टिच कराने वाला, जो भी जितना प्रोसेस था ना वो सब कुछ उन्हीं को करवाना था। तो अभी अब आज लेने जा रहे हैं और साथ में इनका देखते हैं, इनको भी अपने जो कपड़े वगैरह ऑर्डर करवाना है, मतलब ऑर्डर करवा के उनको बनवाना है, स्टिच करवाना है, वो सब कुछ आज ही देख लेंगे। देखते हैं, फिलहाल मेरे कपड़े तो लेना ही है, बट उसके अलावा जो इनका वाला काम है वो उसको देखते हैं, जाते हैं। तो क्योंकि उधर साइड ना भीड़ बहुत रहती है। बेटू क्यों क्यों? तो चले बैठे, उसको मैं गेट बंद कर दूं, गेट बंद कर देते हैं। हम लोग आ गए हैं, सबसे पहले इनके कपड़े ही ऑर्डर कर रहे हैं। और इधर का आपको दिखाऊं कितना ज़्यादा रश टाइप का, छोटी 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 शॉप है और बहुत, मतलब ना इतने में ही एक टाइम पर इतना रश हो जाता है। और ये क्लॉक टावर है ना, ये बहुत ही पुराना है यहाँ मेरठ का, तो मुझे लगा सूट करती हूँ, आप लोग को भी दिखाती हूँ। बेटू आ जाओ इधर, हमारे टाइम में स्पीड थे बोलते हैं। कुछ भी मांगे स्पीड पे लगा देते, सारी चॉइस पूरी। पहले बच्चे ज्यादा होते थे ना, बच्चे एक हो रहे हैं, सबका टेंशन। पापा यहीं क्या है? कहाँ जाने बोलो। तो इतनी ज्यादा गाड़ियां निकल रही ना कि इसका पूरा दिमाग गाड़ियों में रखा हुआ है। देखो उसने कि बस मुझे छोड़ दो, मैं नीचे उतर करके चला रहा हूँ। और ये पीछे देख रहे हैं,
अभी बीच बीच में पसंद करवाती जा रही हूँ, बट मेन तो वही है ना, मेन इनको लेना है, तो कई सारा एक साथ देख लें फिर उसी में हम लोग पसंद कर लेंगे। नहीं नीचे नहीं जाना, देखो गिर जाओगे ना, कितनी सीढ़ियाँ हैं। हम लोग इनके कपड़े ऑर्डर करके आ गए हैं अभी पुष्पदीप यहाँ से, जो हमने कपड़े लिए हैं उनको अभी ले लेते हैं। वो स्टिच करवाने के लिए दिया हुआ था ना, तो फिर अभी इनको ले लेते हैं जो पहले लिया था, और देखती हूँ एक दो साड़ियाँ और देख लेती हूँ, अगर पसंद आती हूँ तो ले लूँगी। और हम लेडीज का तो ना ऐसे ही रहता है कि जितनी बार मार्केट जाएंगे ना कुछ लेने का मन ही कर जाता है, तो वो तो जब मार्केट जाना ही मेरा बंद होगा ना तभी ऐसा होगा कि अब कुछ नहीं लेना है, वरना जब जब जाओ शॉप में तो कुछ ना कुछ पता नहीं क्यों लेने का मन कर जाता है। बेटू अब नहीं, बेटू देखिएगा और फिर इसके बाद मेरा कपड़ा लेने गए, और फिर वहां मैं कुछ और एक दो सेट कपड़े देखने लगी, साड़ियां वगैरह, तो वो सब करते करते ना बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। तो अब चलते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने अपनी फेवरेट जगह से बाटी चोखा मंगाया है। बाटी बहुत अच्छी रहती है इसकी, बाटी के साथ साथ ना ये हरी चटनी जो मिलती है ये भी बहुत अच्छी रहती है, और साथ में चोखा भी बहुत टेस्टी लगता है। तो अभी चलते हैं फटाफट से खा लेते हैं, मैंने एक थाली में ही ऐसे रख लिया है, और अंदर चल करके ही खाएंगे क्योंकि अभी गर्मी इतनी ज्यादा पड़ने लगी ना कि आप बाहर तो खा ही नहीं सकते हो सकता है नीचे वाले फ्लोर में अभी इतनी ज्यादा नहीं गर्मी पड़ती होगी, बट हम लोग का ऊपर का फ्लोर है ना तो बहुत गर्मने लगे हैं, तो अब बिना एसी के नहीं है, रात में भी नींद नहीं आती, और रहता है कि हाँ चलो रूम में ही खाते हैं। अदर जगह की कंपेयर में ना रूम में एसी कभी कभी चलती ना तो रूम ठंडा रहता है। ये आपको दिखा दूँ बाटी चोखा, और ये ना एकदम सिंपल रहता है, बिल्कुल भी वैसा फील नहीं आता है कि आपने मार्केट से मंगाया तो बहुत ज़्यादा इस पे तेल मसाला होगा, लगे कि हाँ बाहर का है, बिल्कुल घर वाली फील आती है इसको खाने के बाद। इसीलिए ना हम लोग प्रेफर करते हैं कि अगर कभी मतलब डिनर नहीं बनाया या फिर नहीं मन है तो फिर ये बाटी चोखा हमारा ना एकदम बेस्ट ऑप्शन रहता है कि एकदम खाना की तरह भी होता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो मैं अपने वीडियो का भी अभी एंड करूँगी, पसंद आया हो एक लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।